Bismillahir Rahim, Assalamu Alaikum. Welcome to the quarantine series. I hope you're having a great weekend or aap tameez up kar pa rahe hain weekend or work days ke darmiyan. I hope you're having a great time in Ramzan and also using the corona lockdown to learn lots of ideas, having different conversations, doing newer things and keeping your mind in the learning mode. I'm delighted, आज मैं न सिर्फ खुश हूँ बल्कि मैं बहुत क्यूरियोसिटी भी साथ मजीद लेकर आया हूँ. वैसे हर प्रोग्राम में लेकर आता हूँ और अपने बंच सवाल भी लेकर आता हूँ और फिर आपके सवाल जुड़ते हैं, हम मिलकर सीखते हैं. आज का मौजू हम सबके दिल दिमाग के बहुत करीब है, पाकिस्तान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कहते हैं माजी नहीं जाना तो हाल क्या समझे और मुस्तकबिल क्या बनाएंगे. हाल के बारे में हम में से कुछ कहते हैं बेहाल हैं, कुछ कहते हैं अच्छे हाल हैं और मुस्तकबिल यकीनन हमें परेशान करता है. मेरे साथ जो मेहमान है वो मेरी तो आपकी जैसी शख्सियत नहीं है बल्कि जो शख्सियत है वो पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग के हवाले से बहुत पुराना नाम है और वन ऑफ द पाइनियरिंग नेम्स व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग. पॉलिटिशियन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर हैं, आर्टिस्ट हैं, मैस कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, बहुत खूबसूरत तकरीर करते हैं. ही इज़ क्वाइट एन ऑलराउंडर, बहुत कदावर शख्सियत हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. आज हमारे साथ हैं जावेद जब्बार साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने जो तारुफ करवाया मेरा, बहुत खुशी है आपसे रब्ता करके आपकी दावत का भी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. हाउ इज़ द लॉकडाउन फॉर यू सर? Oh, it's marvelous. What a unique phase of contemplation, meditation, reflection, and the opportunity to concentrate even more on the beauty of the songs of birds, the expression in my wife's eyes, which I sometimes took for granted. My God, the opportunity to learn anew about what it's like to look deeply into your wife's eyes and not as deeply into one's library. One does devote time to the library much more than normal, but it's a remarkable time and it makes you so much more conscious of what one is and what the world is all about. So it's perverse to say it, but it is a very, very special period when so much suffering is going on around us and uncertainty. At the same time, there are some strange byproduct benefits that you can make use of. Wonderful. I love how you put things together, the flow of words and how it comes together into, in Abbas's sense, words form sentences and sentences form paragraphs. Thank you. What we're going to be talking about, everybody, is Pakistan past, present and future. Join in with your questions and comments. You'll also be able to join us live towards the end. Here is the link and it's also going to be pasted in the comments. Hum jo guftugu karenge, bahut ahem hai, maine Javed Jabbar sahab ko ye share karte hue suna hai, Pakistan jin halaat mein bana tha. We often tend to forget the timeline and especially at the start of it where we were. इकबाल और जिना का पाकिस्तान हम बार बार सुनते रहते हैं, ये क्या है, हमारे क्या वो माइलस्टोन्स हैं जो कि हम सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन एक कौम की तारीख के लिहाज से, पाकिस्तान जैसे मुल्क की तारीख के लिहाज से अहम है, कहाँ हमने अपने आप के साथ ज्यादती की है, जमहूरियत क्या है, क्या डिज़र्व करते हैं. एक बहुत हम स्विंग करते रहते हैं इस गुफ्तगू के दरमियान मैनी टाइम्स. इस तब्दीली फॉर रियल और इज इट जस्ट अनदर वन, व्हाट इज़ गोना बी द नेक्स्ट इलेक्शन लाइक. एंड लास्टली, मैं एक टैलेंटेड पाकिस्तानी यंगस्टर हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन एक जुमला बता रहा हूँ, मैं बाहर मूव होना चाहता हूँ, व्हाट डू यू एडवाइस. सो दैट्स व्हाट वी हैव, पाकिस्तान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मजीद आपके सवाल रहेंगे. थैंक यू जावेद जब्बार साहब वंस अगेन. लेट्स गेट गोइंग. पाकिस्तान किन हालात में बना? शुक्रिया. पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में पैदा हुआ. एक तो गैर यकीनी का माहौल, इनसिक्योरिटी, क्योंकि जब मुल्क वजूद में आते हैं तो उमूमन उनके पड़ोस ममालिक में भी खुशी का एहसास होता है कि नौ आबादियत के दौर के बाद, कलोनियलिज्म के बाद, ये भी एक मुल्क आज़ाद हो रहा है. लेकिन हमारे हालात में
एक अजीब अनोखी कैफियत थी कि सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि दो पड़ोसी मुल्क दोनों ने हमारे वजूद के बारे में बड़ा ही शक, शुबाहत और मुखालिफत का इजहार किया। गैर रस्मी तौर पर हमें पता है कि हिंदुस्तान के वजीर दाखला वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान तो 6 महीने भी नहीं टिकेगा। क्या बात है, हमने ये नहीं कहा हिंदुस्तान के बारे में कि आप 6 महीने या 6 साल टिकेंगे। दूसरी तरफ हमारा अपना ब्रादराना मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान, जब हम अक्वामे मुत्तहदा में गए अपने दरख्वास्त लेकर के जी अब आप पाकिस्तान को भी रुकन बनाएं यूनाइटेड नेशंस का, तो सिर्फ एक मुल्क ने मुखालिफत की पाकिस्तान के एप्लीकेशन की। शुक्र है कि 2 हफ्ते के बाद उन्होंने वो प्रोटेस्ट या एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो हमारी ड्यूरन लाइन जो हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक ऐसी अजीब कैफियत थी कि दो ऐन पड़ोसी हमारे हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। एक दूसरी बात कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया की तारीख में जो दो हिस्सों में बटा हुआ, जो 1000 मील दूर एक दूसरे से और जिसके दरमियान एक दोस्ताना मुल्क नहीं था बल्कि एक ऐसा मुल्क जो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान वजूद में आए। तो गैर यकीनी और गैर तहफ़्फ़ुज़ाती कैफियत का आप किसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने हम इनसिक्योर थे। और तीसरी बात, जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान वजूद में आएगा तो 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़े सगीर का, वो या तो दिल्ली में या बॉम्बे में या कैलकटा में या दीगर और इलाके जो हिंदुस्तान का हिस्सा बने, हमारे पास बहुत ही महदूद या नामौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर थी। और सिर्फ 10 हफ्ते की नोटिस, 10 हफ्ते, 3 जून को ऐलान होता है 1947 में और हम 14 अगस्त में वजूद में आते हैं। तो बहुत ही हंगामी हालात में बड़े बेढंगा अंदाज में हम जन्म हासिल हमारा हुआ। तो इसीलिए जो कैफियत थी हमारे वजूद की बहुत ही गैर तहफ़्फ़ुज़ाती थी। और मैं दाद देना चाहता हूँ उन हजारों लाखों पाकिस्तानी को जिन्होंने उन सालों में उन लम्हात में बड़ी हिम्मत का सामना किया और कायदे आजम की क़यादत जो पहले 13 माह रही उसके बाद कायदे मिल्लत, हमने इरादा पुख्ता किया कि बेशक जो भी मुश्किलात हैं हम इसका सामना करेंगे और इसे महफूज रखें। और वही बात हुई, हम कामयाब हुए। आप आखिरी में आपको बात इस सवाल के जवाब में बताना चाहता हूं कि आप हमारी शदीद हालात का इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान के रहनुमा महात्मा गांधी वो खुद मजबूर हुए भूख हड़ताल पे जाने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत ने हमारा जायज हिस्सा पैसे का, असलाह का, दीगर और सप्लाईज का दानिस्ता तौर पर रोक रखा दिल्ली में, बजाय इसके कि वो कराची भेजते या ढाका भेजते। तो वो भूख हड़ताल पर गए और उनको फिर एक हिंदू इंतहा पसंद ने हलाक किया। तो दैट वॉज दी आयरनी ऑफ पाकिस्तान। Mushkil halat, and we rarely sort of count those. What is Iqbal and Jinnah's Pakistan? This has been you said, debated. Ji. At the time when Allama Iqbal made his speech in 1930, looking at the concept of regional homeland when Muslims were in majority, at that time, he did not specifically visualize an autonomous, sovereign nation state in the form that we actually came into existence. Lekin unhone ishara kiya us taraf ki yahi ek moasir solution hoga ki jahan bhi musalman aksariyat mein ho unko haq diya jaye hukmrani ka, they should not be reduced to a minority. To ek bada farq tha, वो समझते थे कि
एक वसी तौर पर रहने वाला बरे सगीर जिसमें हिंदुस्तान भी हो, और पाकिस्तान को खैर उस वक्त लफ्ज पाकिस्तान ईजाद नहीं हुआ 1933 में, चौधरी रहमत अली ने किया। लेकिन ये याद रहे कि अल्लामा इकबाल 5 साल और जिंदा रहे माशाल्लाह उस लफ्ज के ईजाद होने के बाद, और बावजूद इसके कि ये नौजवानों में बड़ा मकबूल हो गया ये लफ्ज पाकिस्तान 1933 के बाद, अल्लामा इकबाल ने खुद लफ्ज पाकिस्तान को नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने लाहौर की करारदाद में पाकिस्तान का नाम नहीं दिया, क्योंकि जब तक एक तासुर था कि ये पाकिस्तान का नारा है तो बड़ा दिलचस्प, लेकिन इसका हकीकी इसका क्या असर होगा, इसका क्या शक्ल बनेगी, तो इसीलिए रकबे के एतबार से लाहौर की करारदाद में 5 मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए गए, कहीं रीजन, कहीं यूनिट, कहीं एरिया, क्योंकि दी एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ पाकिस्तान वो स्टिल इवॉल्विंग। तो फाइनली जिन्ना पाकिस्तान वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन वन वे फ्रॉम अल्लामा इकबाल पाकिस्तान, बिकॉज जिन्ना पाकिस्तान वॉज अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट, बट इवन मिस्टर जिन्ना वॉज इवॉल्विंग दिस थिंकिंग प्रोसेस। मसलन बहुत कम शायद ये इल्म हो इसका कि मई 1947 में, सिर्फ 4 माह कबल कि हम आज़ाद मुल्क बनने वाले थे, हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने तजवीज की कि जी बंगाल को एक ऑटोनमस सॉवरन इंडिपेंडेंट बंगाल के तौर पर हम ट्रीट करें, पाकिस्तान बेशक बने लेकिन वो मगरबी पाकिस्तान में हो और हम बंगाल एक इंडिपेंडेंट बंगाल बने। लेकिन इस तस्वुर को क्या आपको बताऊं, बरतानिया और कांग्रेस पार्टी ने मुखालिफत की, लेकिन कायदे आजम ने इसको तस्लीम किया, उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने कहा बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि बंगाल को डिवाइड ना किया जाए जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है तो बेशक आप बंगाल को इंडिपेंडेंट करें। तो इस हद तक the concept of what eventually became Pakistan was evolving right up to the last moment. जब उन्होंने अपोज किया तो फिर कायदे आजम ने कहा ठीक है ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनाइए, लेकिन वो पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि पंजाब को और बंगाल को तकसीम किया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन पंजाब और बंगाल में दोनों में गैर मुसलमान अक्सरियत में नहीं बल्कि अक्लियत में थे, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इसकी मुखालिफत की और उन्होंने कहा नहीं आप पार्टीशन करो ताकि हिंदुओं को अलग रहने का मौका मिले, हम मुसलमानों की अक्सरियत को नहीं तस्लीम करेंगे। तो फिर मजबूर हुए कायदे आजम एक्सेप्ट करने पे कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। So evolve कर रहा था and looking at the circumstances, but thank you for giving the insight. We celebrate milestones. We want to know what are the unpopular ones, but they're very worthy milestones in Pakistan's history. That love, ये जो लव्ज आपने unpopular इस्तेमाल किया है ना, गैर मकबूल, you know, like beauty, popularity lies in the eye of the beholder. In the days of social media, unless you go viral, you're not supposed to be popular. Popularity and justifiability or validity are two separate things. It's very easy to become popular if you do something sensational. Hamari history mein, I think there must be at least 10 milestones. Badi tezi se main koshish karta hoon ke इसका सफर में कर लूं। एक था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद के बारे में, वो करारदाद के जरिए हमने कहा कि भाई पाकिस्तान की क्या मकासद हैं आइन बनाने में, कायदे मिल्लत ने ये पेश किया, बज़ाहिर तो इसमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने मजहब पे बहुत ज्यादा जोर दिया जो कि गैर जरूरी थी, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका था पाकिस्तान,
पाकिस्तान के बनने का मकसद ही यही था कि मेजॉरिटी रूल होगी मुसलमानों की इन एरियाज। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत ज्यादा इसको और आगे बढ़ाकर मजहबियत के पहलू पर तवज्जो दी। तो ये याद रहे बड़ी दिलचस्प बात है कि जहाँ कायद आजम चाहते थे कि गैर मुसलमान की तादाद बड़ी अक्सरियत बड़े तादाद में रहें पाकिस्तानी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालिफत कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सारे गैर मुसलमान अराकीन ने, और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तानी रहें, लेकिन वो कहते थे कि देखिए ये मत इसको मंजूर करें क्योंकि इससे तकसीम का अंदाज और बढ़ जाएगा, ये सोच बढ़ेगी कि मजहब की बुनियाद पर तमीज किया जाएगा या इम्तियाजी कार्रवाई बढ़ती जाएगी और बांट देंगे आप आवाम को और आबादियों को। तो यही हुआ, बाद में जाके फिरका वारियत फैली, मजहब का नाम एक तरफ, फिरकों का नाम अलग, फिर गैर मुसलमानों के खिलाफ एक खास ताकुब का अंदाज। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेरी नाचीज राय में एक कॉन्ट्रोवर्शियल और नामुनासिब कदम था, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत। दूसरा बहुत गलत कदम था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का, जो उन्होंने डिसमिस किया ख्वाजा नाजीम को, फिर असेंबली को डिजॉल्व किया, और बावजूद इसके कि सिंध हाईकोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया, बल्कि नहीं सॉरी डिसमिस किया, उन्होंने कहा कि गलत फैसला है। एक टेक्निकल पॉइंट पर चीफ जस्टिस मुनीर ने इसे जायज करार दिया, उसकी वजह से एक अथॉरिटेरियन मिजाज, एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियनिज्म ने जड़ पकड़ी। एक और तारीखी गलती थी, वो थी कि एक सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी था जनरल अय्यूब खान को दावत दी गई कि आप एक सियासी ओहदे को भी संभालें। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने उनको मुकर्रर किया वजीर दिफा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन ए सिविल पॉलिटिकल कैबिनेट, विच वॉज ए टेरेबल एरर, क्योंकि ये गलत फहमी का तासुर बढ़ गया कि भी एक फौजी भी एक सियासी ओहदा रख सकता है। और इसके फिर 3 से 3.5 साल बाद इसी फौजी ने फिर 1958 में उस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करवाया और मार्शल लॉ का नाफिज होने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये बड़े तारीखी गलतियाँ थी। फिर ये देखिए कि जब वक्त आया इख्तदार को संभालने का नहीं बल्कि उसे ट्रांसफर करने का, तो अय्यूब खान साहब ने अपने ही आईन को वायलेट किया। उनके अपने दिए हुए आईन में लिखा हुआ था कि वो ट्रांसफर करेंगे पावर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनका नाम था अब्दुल जब्बार खान, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे वो, लेकिन बड़े मौजूद शख्सियत थी, उनका ताल्लुक था ईस्ट पाकिस्तान। बजाय इसके कि वो उनको हैंड ओवर करते पार, उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल याहिया खान को, और उसके बाद तो हम जानते हैं कि शुरू तो किया बहुत अच्छे अंदाज में जनरल याहिया खान, लेकिन एक के बाद एक इतने डिजास्टर फैसले किए कि पाकिस्तान टूट गया 1975। लेकिन ये वहाँ नहीं खत्म, के बावजूद इसके कि बहुत अच्छा आईन, जाहिर तो बड़ा अच्छा आईन था 1972 का, उसको मंजूर कराने के बाद ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसमें तरामीम करना शुरू कर, जो अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात के खिलाफ, और फिर उसके फौरन बाद उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत को डिसमिस किया, वहाँ आर्मी को डिप्लॉय किया, और वो जो तासुर आज तक पाया जाता है बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में कि ये विफाक नहीं चाहता बलूचिस्तान को सही तौर पर इससे हसूस होना, उधर से फिर और जड़ का और गहरा होने लगा। तो वो भी एक तारीखी गलती, लेकिन माशाल्लाह गलतियों की कोई कमी नहीं। आप मुझे बहुत ही मायूसी की तरफ ले जा रहे हैं, जो मेरी फितरत और वो मेरे नेचर के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं ये मुकम्मल कर लूँ। लिस्ट 1977 का जो
फूडी साथ था जन जियाउल हक था, वो बड़े गलत और बड़े बेवफा किस्म के मनफी असरात छोड़ गया। हालांकि 1985 में जब मैं भी मुंतखब हुआ गैर गैर पार्टी इंतखाबात के दौरान सेनेट का रुकन, तो मोहम्मद खान जुनेजो ने बड़ी बहादुरी के साथ साबित किया कि एक हैंडपिक सिविल प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो चैलेंज ए मिलिट्री लीडर। To the extent that General Ziaul Haq became so nervous that he had to dismiss Mr. Junejo in May 1988. And I was a witness to it because I was in the Senate at that time and I opposed the dismissal of Mr. Junejo. But then came the whole process of the 1980s. Ek ke baad ek, tabdili ki hukumaton mein se saat hukumaton badli, sirf 9 saal ke arse mein, fir finally शुक्र है कि वो फिर का दौर जो कुछ उससे काम भी हुए शरद के दौर में, लेकिन उन्हें भी इख्तदार का बड़ा शौक हो गया और फाइनली मैं समझता हूँ सन 2010 में बहुत ही एक तारीखी मरहला आया 18वीं तरमीम का इत्तेफाक राय से जेन्युइनली हैज बिकम अ फेडरेशन। हाउएवर वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव that amendment, strengthen the federation without making the center a completely ineffective or weak center. So, this balance ko chahiye, but we should support that. Kai achhi cheezein hui, most of all, the survival of us. First in 1947-48, 10 lakh logon ko, dekhna, lakh hote hue, 1 crore महाजरीन को एब्जॉर्ब करना, फिर कोरियन वॉर जब शुरू हुई तो हमारी इकोनॉमी ने इतना उसका फायदा उठाया कि आवर रेट ऑफ ग्रोथ हैज बिकम हायर देन इंडिया रेट ऑफ ग्रोथ। इस हद तक कि इंडिया में तनकीद की जाती थी कि हमारा तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हालांकि इसमें मैं मनसी अंदाज में हिंदी नहीं कह रहा, लेकिन दिस वॉज वॉट इज सेड, हाउ इज पाकिस्तान मेकिंग सच रैपिड प्रोग्रेस। सो वी सर्वाइव 1947, वी सर्वाइव 1971 एंड वी हैव रीबिल्ट आवरसेल्फ एंड इंशाल्लाह वी विल सर्वाइव चैलेंजेस इन फ्यूचर। वाओ, इट्स क्वाइट अ टाइमलाइन जावेद जब्बार साहब। I should have thought more before asking you these questions. do we have a democracy? Do we deserve a democracy? First of all, man, the good news is that the Pakistani people are a thoroughly democratic-minded people. हमें जम्हूरियत से इतना इश्क है, सारा साल आए हाय हर शोबे में हमें इलेक्शन करवाने का बड़ा शौक है। एनजीओज ले लें, प्राइवेट क्लब्स ले लें, बार एसोसिएशन ले लें, टीचर्स एसोसिएशन, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, ट्रेड बॉडीज, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, हर जगह जाओ इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन। वी आर अ थॉरली डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वी लव डेमोक्रेसी। हाउएवर माशाल्लाह वी आर ऑल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज on the political level, democracy has not succeeded as it should have. Lekin we tend to blame the wrong reasons for it. Corruption, yes, is one reason. Incompetence is another. But we have a electoral democracy. We do not have a representative democracy. Mane hum election karwane wali jamhuriyat hai hamari, numaindagi karne wali jamhuriyat nahi. और उसकी दो मोटी वजूहत, एक कि हमारे इलेक्शन में जनरल पॉलिटिकल इलेक्शन में हमेशा औसतन सिर्फ 50% सिर्फ 50% लोग रहमत करते हैं जाके वोट डालने, तो ये कहाँ की नुमाइंदगी हुई जब आधी आबादी वोट ही नहीं डालती। दूसरी सानहा क्या है, 50% जाते हैं, जीतता कौन है जिसको 15% वोट मिले,
30% वोट मिले वो माशाल्लाह नुमाइंदगी करते हैं उस 50% की जिन्होंने वोट डाला, और उस 50% की जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, वो 20% वाले वोट हासिल करने वाले शख्स बन जाता है सरबरा या MNA या MPA 5 साल के लिए। तो ये तो एक बहुत सजाद, और इस सजाद को खत्म करने के लिए जो हमें असलाहत करने पड़े, ये असलाहत क्या है? नंबर एक, वोटिंग को लाजिम बनाया जाए, जिस तरह नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड एक लाजिम जरूरत है। आप सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकते, आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, आप जमहूरियत में शहरियत नहीं रख सकते जब तक कि आपके पास लाजिम ये फर्ज आप पूरा ना अदा करें, वोट डाल दें। तो कुछ 22 ममालिक हैं दुनिया में जहां वोट डालना लाजिम, अगर वोट नहीं डालते आपका शिनाख्ती कार्ड मनसूख किया जाता है, या आपको जुर्माना देना पड़ता है $50 जो भी, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, आपका पासपोर्ट को कैंसिल किया जा सकता है, कई तरीके का। तो एक लाजिम किया जाए वोटिंग, सबको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि भाई ये हमारी हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है, आप किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डालते, नंबर एक। नंबर दो, ये भी लाजिम किया जाए कि किसी भी हलके के जीतने वाले उम्मीदवार से 50% वोट हासिल करना +1 एक वोट और, ताकि सही मायनों में वो अक्सरियत की नुमाइंदगी करे। इस वक्त ये है हाल कि अगर 5 उम्मीदवार हों किसी हलके में, अगर एक उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिल जाए, मसलन आप जैसे जालिम उम्मीदवार को मुझ जैसे मासूम दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार से सिर्फ एक वोट ज्यादा मिले, तो आप मुझे और सारे बाकी के नुमाइंदों से ज्यादा आप बनेंगे फतेह आपकी हासिल होगी, और आप 15% वोट लेकर आप सब पर हुक्मरानी करेंगे। तो एक दूसरा राउंड करवाया जाए जिसमें टॉप 3 कैंडिडेट दोबारा कंटेस्ट करें, और वो शख्स जो 50% +1 वोट ले, वो फिर सही मायनों में अक्सरियत की नुमाइंदगी का हक रखते। तो ऐसे इस्लाहात और भी हैं, अगर करेंगे तो हमारी जमहूरियत सही तौर पर नुमाइंदा जमहूरियत बनेगी, और लोगों को एहसास होगा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ रहनुमाओं की नहीं है, हमारी अपनी भी है कि हम किस तरह पुख्ता बना सकते हैं जमहूरियत। तो दीगर और इस्लाहात की ज़रूरत है, सिर्फ इलेक्शन नहीं, हमारे अदलिया में, हमारे इंतज़ामिया में, माशाल्लाह हमारे मीडिया में भी इस्लाहात की ज़रूरत है, ताकि एक सही मायनों में तामीरी सोच और मुनासिब इंसाफ को हम फराहम करें, जो जमहूरियत का तकाज़ा है। Wonderful. Also, suggestions for how can we work on our democracy better, and you also highlighted that it is what we have, you know, we blame the wrong reasons. Some great dialogue for those of you who have just joined in. We are 30 minutes down and about 26 minutes to go till 4. Aap mein join kar sakte hain. Apne sawalat ke saath here is the link, and you can also post your questions on the comments. We'd like to take them. And achhi jagahon se अपने मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन लें, अपनी वरीज, अपने सवालात के जवाब लें। अदरवाइज यू नो वी एवरी वॉइड इज फिल्ड इन, इट्स फिल्ड बाय मेनी अ टाइम्स रॉन्ग न्यूज। सो यू कैन जॉइन अस फॉर Q&A। जावेद जबार इज विद अस टिल 4 o'clock। जावेद जबार साहब, आई वुड लाइक टू नो, आर वी सीइंग मोर ऑफ द सेम और इज तब्दीली फॉर रियल? नहीं नहीं, there is some reality and authenticity to the tabdili. Main samajhta hu ki sabse pehle to ye bahut ahem baat hai ki sarbarahe hukumat ek aisi shakhsiyat hai jiske sath wo jo unka apna pasandeeda lafz corruption jo ki bahut bahut zyada use ho raha hai aur main usko parhez karta hu use istemal karne se, क्योंकि इट हैज वर्चुअली बीन ड्रॉप्ड ऑफ इट्स मीनिंग, बट फाइनेंशियल करप्शन, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद
एक वजीर आजम हमारे पास है मुंतखब, जो जेन्युइनली जाती तौर पर मालियाती मामलात में करप्ट प्रैक्टिसेस से नहीं उसकी वाबस्ते, तो ये बहुत एक अहम तब्दीली है, नंबर एक। नंबर दो, बावजूद इसके कि इलेक्शन के बारे में खदशाहत हैं, सवालात हैं कि जी वाकई में एक ये जेन्युइन पॉपुलर वर्डिक्ट है या फौज और एजेंसीज की मदद से पीटीआई को इंस्टॉल किया गया है, बावजूद इन रिजर्वेशंस के, ये एक सही एक हकीकत है कि बड़े मुश्किल तरीन हालात के बावजूद एक नई सियासी जमात उभरी है कौमी सतह पर। सियासी जमात को बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो द वेरी फैक्ट कि एक नई पार्टी आई है जिसमें कई नकायद होंगे और कुछ उनकी हरकतें या कुछ उनकी बातों हमें पसंद नहीं आती, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल बात है। तो इस तरह से तब्दीली हो रही है, लेकिन बाद एतबार से तब्दीली नहीं भी हो रही है, और वो तब्दीली जहाँ होनी चाहिए वो है कि इंतहा पसंद मजहबियत जो एक्सट्रीमिस्ट, सिर्फ मैं तशद्दुद के एतबार से एक्सट्रीमिज्म नहीं कहता बल्कि एक ज़हनी एक्सट्रीमिज्म, हमने पाकिस्तान के वजूद से हक को गलत इंटरप्रेट कर, हमने इसको एक इजारादारी बना दी है उन शख्सियात की जो मजहब पर समझते हैं कि जी उनका एक मोनोपोली है, एक हक बनता है बोलने का और समझाने का जिसका दूसरों को हक नहीं। मैं समझता हूँ इसकी वजह से मौजूदा वक्त हम उन किस्म की इंतहा पसंद तंग नज़र मजहबियत को मजबूत कर रहे हैं बजाय उसे कमजोर करने, क्योंकि किसी को यह हक नहीं देना चाहिए कि वो मजहब को इंटरप्रेट करे। जबकि हमारे पास इदारे मौजूद हैं, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मौजूद है, पार्लियामेंट है, इससे भी ज्यादा अहम मैं समझता हूँ पार्लियामेंट है जो मुंतखब इदारा है, और सूबाई हुकूमतें हैं, ये असल नुमाइंदगी करनी चाहिए अवाम की राय की, और इन्हें रहनुमाई करनी चाहिए ताकि हम एक जदीद दौर में सही मायनों में मुकम्मल तौर पर दाखिल हों। प्रोग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन ऑफरेंटिज्म नजरी, इक्कीसवीं सदी के दौर में अभी भी ये सवाल है कि जी ईद का चांद देखने का क्या तरीका है, तो गॉड सेक आई मीन इसको भी एक कंट्रोवर्सी बना दी, तो दैट इज वेयर वी नीड तब्दीली। और मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को इस जरा गैर जरूरी तौर पर खौफजदा नहीं होना चाहिए उन अनासर से जो इजारादारी का तकाजा करते हैं, दावा करते हैं इजारादारी है जी हमारी, हमारा हक है मजहब पर बोलने का। खुदा हर एक के दिल में मौजूद है, हर इंसान के, और इस्लाम में तो कभी गुंजाइश ही नहीं कि कुरान शरीफ और आपके दरमियान, खुदा और आपके दरमियान कोई और आकर आपको समझाए कि ये है सही रास्ता। आलिमों की एक जरूर एक जगह है और जरूरत है, आलिम होना एक और बात है, इजारादारी क्लेम करना कि नहीं जी ये फिरका जो मेरा फिरका है वो दुरुस्त है सारे बाकी के फिरके गलत हैं, फिरका वारियत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो आई होप के इस हुकूमत में वो हिम्मत आएगी कि सर्च करे और अवाम साथ देने के लिए तैयार रहेगी। ये बीच में सॉरी कुछ आ गया, सॉरी आपकी आवाज लेकिन एकदम से बेहतर हो गई, क्या आ गया भाई, सॉरी। हेलो Jabbar Saab is going to be with us. He's here. I'll just let him come back. Meanwhile, I have some questions. I'll be taking in your questions, Shafiq, Azhar. I have just noted them and going to put them out. Let me see if Jabbar Saab is here. Sorry, did we get cut off there? You did, but you're back.
अरे यार कौन है भाई, आप ऑफ जाए जी, नहीं बात नहीं कर सकते इस वक्त। ओके अजीम, आर यू विद अस? वुड यू लाइक टू आस्क? अरे यार नहीं चाहिए अभी, कॉल बंद करें, बंद करें कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अजीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर मेरा नाम अजीम सर है, मैं एसओएस यूथ ऑन कराची से बात कर रहा हूँ, जावेद जब्बार साहब एसीएम में से बड़ी। तो बस मेरा इनसे सवाल ये है कि मेरे पास यूथ है, मैं उनकी तरबियत में ऐसी क्या चीज़ शामिल करूँ कि वो एक अच्छे पाकिस्तानी बन सके? थैंक यू, thank you Azim, great question. What to do as a parent? Kashif, would you also like to ask your question? Azim, main aapko waapas sir, question as such koi nahi hai, awaaz aa rahi hai aapko meri? Ji ji bilkul aa rahi hai. I'm a big fan, aapki sari videos dekhte hain, to matlab ye hai ki bahut acha kaam kar rahe hain aap, aur mashallah kaale baalon ke sath aap aisi baatein karte hain ki safed baalon wale bhi jo hain wo aapki baatein sun ke hairan ho jate hain. ये बंदा बातें निकाल कहाँ से आपका? नहीं मतलब ऐसे निकाल रहा हूँ, इनसे सुन के निकाल रहा हूँ। नहीं आई फील के माशाल्लाह बहुत कम उम्र में आपका जो है वो तजुर्बा मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपकी असेसमेंट्स और आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो देर बेसिकली डिफरेंट फ्राम ऑल द अदर पीपल इन योर ग्रुप एज, क्योंकि ऑब्वियसली दाढ़ी तो मेरी भी सफ़ेद होगी और अभी आपके सफ़ेद कोई बाल नहीं है, तो ये है कि कमेंडेबल और जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, मतलब जिस तरह आप लोगों को डिलीवर करते हैं और जो आप डिलीवरी जो लेक्चर्स वगैरह करते हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और माशाल्लाह कैरी ऑन द हार्ड वर्क और जो आप कर रहे हैं, और वो आपकी एक वीडियो है मतलब स्पेसिफिकली वो जो खोता 100,000 साल पहले भी खोता था, खोता आज भी खोता है और खोता 1,000 साल बाद भी खोता ही होगा, पता नहीं आपने आई होप ये हमारी कहानी ना हो, आज का मौजू है पाकिस्तान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आई होप ये हमारी कहानी ना हो और हम नहीं बट पता नहीं पाकिस्तान के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तो मुझे कोई पता नहीं है, मतलब बड़ी होप्स जो है वो आपको पता ही है कि क्या जा रहे हैं हम, और ऑब्वियसली जो वादे थे वो पता नहीं पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मगर ये है कि माशाल्लाह आप जैसे लोग जब तक पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का जो स्पिरिट है ना वो जो है वो बरकरार रहेगा, और मतलब आप लोगों को जगाने के जो है ना जगाने की जो तगड़ों में लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि पता नहीं लोग जागेंगे नहीं जागेंगे, मगर आप जैसे पीपल लाइक यू एंड द वॉइस पीपल वॉइस लाइक यू द डेफिनेटली आर गोइंग टू मेक सम डिफरेंस। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड, हार्ड वर्क एंड यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन। Yes. And the way you carry yourself, or जो जिस तरह आप मतलब आप बात करते हैं, definitely it holds a lot of weight. तो मतलब अल्लाह पाक ने आपको वो दिया, आपकी ज़बान में वो अल्लाह पाक ने दिया है, और आप उसको जो है वो कन्वे भी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग फ्राम अल्लाह, और आप उसको यूज़ भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यू कुड बी हु गॉड नोज यू कुड बी डूइंग समथिंग एल्स, बट द प्रोफेशन यू चोज इज डेफिनेटली इज समथिंग आई फील दैट यू बीन मेड फॉर, और माशाल्लाह जबार साहब आर यू बैक? ओके यू विल हैव टू अनम्यूट योर माइक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी जबार साहब, इट्स फाइन नाउ, अजीम गो ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा नाम अजीम सरवर है, मैं एसओएस यूथ हम कराची से बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वो आपको सुन सकते हैं, हम उन्हें नहीं सुन पा रहे। मेरा क्वेश्चन सर तक पता नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा या मैं दोबारा रिपीट करूं? नहीं अजीम जरा सा होल्ड कर ले, लेट मी ट्राई एडिंग जबार साहब अगेन।
Javed Jabbar sahab, we have lost your voice. We can see you fine, but we can't hear you. Can you just try joining again from the link? Just shut it down and just try again. We'll wait a couple of minutes. Thank you. Thank you, Azeem. आप मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी इंतजार करें. Meanwhile, I'll... Yes, thank you, Marine, for joining. आपको मैं बार-बार देखता हूं. आप में से कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कि जाली प्रोफाइल्स हैं, जो रियल लोग हैं वो ऊपर नीचे वाली जाली प्रोफाइल्स को उड़ाएं, मदद करें, हमारे सोशल मीडिया को पाक करें. बहुत जरूरी है. आई कीप रीडिंग एंड आई कैन टेल व्हाट इज, बट मैं आई ट्राई फ्लैशिंग ऑल द कमेंट्स. आई एम स्टिल रिक्वेस्टिंग, प्लीज लेट्स कीप द कन्वर्सेशन रियल, स्पेशली जब इस तरह का मौजू आता है. देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ चैटर कमिंग इन एंड वी मस्ट मेक श्योर कम अज कम पीछे वाला एक रियल इंसान है और अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, ताकि उस पर गुफ्तगू करने का कोई फायदा हो. वी आर स्टिल ट्राइंग, इफ जावेद जब्बार साहब कैन कम बैक. मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम. We don't have your voice. I'm so sorry. Okay, this is the first. Nope. Okay, just give it a couple of the minutes because he's trying. He's a lovely man, very very accomplished, all rounder hai Javed Jabbar sahab ko. Aap YouTube pe bhi dekh sakte hain. In fact, please do that. Pakistan Past Present Future, Javed Jabbar sahab ki bahut khoobsurat kitab bhi hai. And he's an institution in himself, quite a think tank, advertising, mass communication, politics, and we're trying to gauge. We're trying to get his insight on the questions that we generally keep hearing. Javed Jabbar sahab, can you try unmuting now? No, it's not working. I'm so sorry that you're trying hard. Thank you. You're trying very hard. I understand this is not working, and all of you as well. I think it's best to align the time again. I'll just wait for my team's message. Meanwhile, Nope. I don't think we have him. Kabhi kabhi zindagi mein aisa hota hai. Yes, absolutely right. You want to be in the conversation. Hamza, thank you for joining in, but we have lost Javed Jabbar sahab. हमें उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी, तो वी ट्राइंग इफ दिस वर्क्स आउट. ओके, या सो वी आर नॉट गेटिंग जावेद जब्बार साहब, एटलीस्ट फॉर, या आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग हिम फॉर टुडे. सो वेरी क्विकली आई जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स, आई विल टेल यू अ लिटिल अबाउट द क्वारंटीन सीरीज. और क्योंकि मैं ज़्यादा शोज कर रहा हूँ, दिन में दो कर रहा हूँ, तो आप सारे फॉलो नहीं कर सकते, तो मैं आपको कुछ खास रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी. एक तो मैंने माई लास्ट चैट विथ वली मोहम्मद वॉज येस्टरडे, कल रात 11 बजे वली के साथ हमने जो गुफ्तगू की, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू थी. एंड ही स्पोक अबाउट हिप टीम्स, हैप्पी इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिव एंड सम ग्रेट इनसाइट्स. इफ़ यू गेट अ चांस टू हैव अ लुक एट दैट. Happy, inclusive and productive workplaces with Wali Muhammad. That was yesterday. Ab kal dopahar Sumer se humne baat ki thi, starting all over, which is again kuch log jab move karte hain, they start out different career, different path. What is it like starting over, Sumer?
went settled in US and has done a good job there. Sumer bhi yahan pe trainer reh chuke, unhone badi mazedar insights share ki. Aaj raat hamari guftugu hogi Shafaat se raat 11 baje CEO of your life pe. So 11 o'clock, if you're not subscribed to my YouTube, if you're not on my Facebook, please do that and set a reminder taki aapko live jaane se pehle pata chal jaye. Inshallah, 11 o'clock tonight, CEO of your life. So that's what it is. I can, because you're, I have the eyeball, some of them still here. You can give me some suggestions. Some of you, of course, want to say things to me. Abhi humne se ek ne join bhi kiya tha. If there's any questions, comments about the series, any suggestions, people we can bring in. I'm here for a few more minutes and I'd love to take your ideas in. Thank you, Hamza. Join in 11 o'clock, CEO of your life. Some great conversation there. Tomorrow afternoon, we'll have Faizan Lagari and we are speaking about entrepreneurship, hit and miss. Faizan Lagari, serial entrepreneur, and he's going to speak about entrepreneurial hits and misses. We'll be joined by clinical psychologist Tabinda Ilyas tomorrow night to help us understand the cases of domestic violence and how to cope with the kind of challenges that are there in our environment. Yes, School of Leadership is a wonderful organization, Pakistan ki rare, balki duniya ki rare idaron mein se, jo ke for the youth, by the youth, of the youth hai. sol.edu.pk is a website, and if you just look up School of Leadership, to aapko Facebook pe, LinkedIn pe, zarur SOL ke baare mein bahut sari information mil jayegi. SOL team is doing a wonderful job, publishing a lot of content during this time. So Wasim, just look it up and you will find out so much more. SOL ne ye tamam kaam jo aap ट्रेनिंग का देखते हैं उसको नौजवानों के लिए मुमकिन बनाया है और बहुत बड़े स्केल पे SOL has sort of triggered this youth leadership movement with the Young Leaders Conference, which is gone all around Pakistan. It's quite a phenomenal case study. It's a social enterprise which is worth following, worth looking at, and definitely has contributed a whole lot. मैं शफीक साहब इस मौजू पे अपना पर्सपेक्टिव नहीं शेयर करना चाहूँगा. मैं इस मौजू पे अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त. दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट. माई सब्जेक्ट यू नो इज़ गेटिंग पीपल गोइंग, मेकिंग लर्निंग हैपन, सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप. इट्स डेफिनेटली नॉट पॉलिटिक्स. लेकिन अलबत्ता आपको दावत है, आप मेरे साथ आके चाय पिए तो मैं अपने आपको पर्सपेक्टिव जरूर बताऊंगा. अज़र हमज़ा खलील बहुत सारे मेरे सियासी पर्सपेक्टिव से वाकिफ हैं जो इस गुफ्तगू में शामिल है. यस, दैट्स अबाउट इट. थैंक यू मेरीन. Or you will miss the session, that's fine. All these sessions are available on YouTube and Facebook. So if you're missing out on any of the sessions, you can look at it. Maine playlist bhi bana di hai Facebook or YouTube pe of the quarantine series. I think it's great content. Aur jo log aa rahe hain wo bhi bahut hi insightful, relevant और डीप गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिशनर आए उसी मौजू का, एंड नॉट जस्ट समबडी हु नोज अ बिट अबाउट द सब्जेक्ट बट समबडी हु लिव्स इट, हु टीचेस इट. सो दिस रियली रियली एन अटेम्प्ट टू गेट ग्रेट पीपल ऑन एंड गेट देयर कंटेंट आउट. ओके, या आई थिंक दैट्स अबाउट इट. I bring along someone who can talk about how to do better parenting skills at this point in time. Parenting pe humne baat ki thi Asma Mustafa ke saath, aap dekh sakte hain, loving parenting and leading consciously. I think usne bada acha zaviya diya tha Asma ne ke, and I'd like you to please watch that, it's on the quarantine series. But we are trying, agar hum kisi aur ko bhi parenting pe specifically la sake, lekin Asma ne jo baat ki thi was amazing ke main अपनी बेटी को कहती रहती हूँ, जोई को कहती रहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और उसको सॉर्ट ऑफ ये गिनवाती हूँ कि मैं तुम कितनी छोटी हो, एंड आई फेल टू रिकग्नाइज कि मुझे भी माँ उसी ने बनाया है और मैं भी उतना ही एक्सपीरियंस रखती हूँ एज अ मदर जितना वो उसकी उम्र है. सो मैनी मोर पर्सपेक्टिव्स देयर, प्लीज डू लुक एट दैट. Salman, also you can look at Max Barbary's conversation, which was one of the initial ones, or Max ne bahut khoobsurat guftugu ki, you're wonderful pe, aur usme bahut zyada insights to be parenting ke wale se. I'd also recommend if you can look at Shirin Naqvi's Resourcefulness Over Resources. Shina pa ne bahut
एम्फेसाइज किया है पेरेंट्स के ऊपर कि वो शर्माए नहीं, वो एक्शन में कैसे डालें बच्चों को. सो आई थिंक दैट दैट विल ऑल्सो गिव यू ग्रेट इनसाइट. ओके यस, जमहूरी मौजू पर मैं कमेंट नहीं करूंगा. वंडरफुल, थैंक यू. यस, देयर मेनी ऑफ देम आर वर्थ वॉचिंग. प्लीज ऑल्सो शेयर देम. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन. आई थिंक आई टेक टाइम आउट, आई ऑलरेडी टेकन इट टिल 55. जावेद जब्बार साहब का बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर उन्होंने हमें ज्वाइन किया. और इनिशियली आई थिंक जो गुफ्तगू की वो इतनी हैवी लोडेड थी, मैं उसमें से बिकॉज आई लाइक टेकिंग नोट्स एंड रिमेंबरिंग थिंग्स, बट ही वॉज ऑन द आई वुड से ही इज ऑन फायर विद back to back facts and statistics around Pakistan's the making of Pakistan. Usme kya challenges the jo ki hum generally nahi consider karte. Ek bahut rare Pakistan ki make hai aur Pakistan ki ideology hai. Humne Iqbal aur Jinnah ke zaviye pe baat ki. Javed Jabbar sahab ne hame aagah kiya ki ye Jinnah ka perspective evolve kar raha tha aur musalsal kar raha tha. Looking at the reality, humne kuch milestones jane aur bahut sari usme galtiyan jo ki humne ki as a country. I like when Javed Jabbar sahab said ki galtiyan bahut sari hain and of course there is no end to them, but he insisted that we stay positive, he insisted that we look forward rather than looking back. We also spoke about how democracy will improve in Pakistan. Javed Jabbar sahab mentioned a couple of suggestions like everybody being tasked to vote. Is जो नुमाइंदगी है वो रियल नुमाइंदगी नहीं है, बिकॉज द नंबर्स एंड द वे द कैंडिडेट्स विन दे नीड रिफॉर्म्स. सो एक बात उन्होंने इस हवाले से की, दूसरी बात उन्होंने इस हवाले से की कि मेजॉरिटी विन करना अगर ज़रूरी हो तो हमारी जमहूरियत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है, ताकि मल्टीपल ग्राउंड्स हो सके उन जगहों पर जहाँ शायद एक वोट से हमारे कैंडिडेट्स जीत जाते हैं. वी स्पोक अबाउट इस तब्दीली फॉर रियल एंड ही डिड से that tabdili is for real, it's a different kind of leadership. And he also highlighted his concern around the extremist thinking that we have as a country, or perhaps some of us do, and primarily driven by our faith or the misunderstanding of faith, and that is what needs to be worked upon. That was Pakistan past, present and future. Aapka bahut shukriya. This is the quarantine series. I will see you tonight 11 o'clock with Shafaat. We're going to be talking about aap apni zindagi ke CEO कैसे